सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है और एक दो दिन में कल महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद में CRPC 175 के तहत जो कंगना रनावत है उनको भी समन्स भेजा गया है, उनका भी बयान लिया जाएगा और इस प्रकार जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। करण जौहर की बात सामने आ रही है, करण जौहर को भी समन किया गया है? ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी ज़रूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है तो उनको भी बुलाएंगे। सर किस दिशा में मतलब करण जौहर को किस मुद्दे को लेकर बुलाया जाए कि या फिर बिजनेस राइवलरी या फिर किस तरह से मतलब? जैसे मैं शुरू में बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में कोई कोटरी है क्या जो बिजनेस राइवलरी के कारण किसको नए लोगों को आने नहीं देती इंडस्ट्री में? इस प्रकार की चर्चा, बिजनेस राइवलरी की चर्चा लेके वो एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।